सलाम नमस्कार, मैं अनम जाहिद और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 फटाफट खबरों पर। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले कि जो मुझे भी टीम कहता है, मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैं जनता का आदमी हूं, मैं आवाम का खादिम हूं, मैं आवाम की टीम का हिस्सा हूं और दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को BHU के एम्फीथिएटर परिसर में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एक माह तक चलने वाले इस आयोजन के जरिए विश्वेश्वर की धरती पर रामेश्वर की संस्कृति प्रकाशमान होगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे वाराणसी आएंगे और लगभग 3 घंटे रहेंगे। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के बहरामपुरा विस्तार में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार साबिर काबलीवाला के लिए महाराष्ट्र मजलिस की टीम डोर टू डोर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आई। लखनऊ में निजी अस्पतालों में डॉक्टर अब सिर्फ कार्ड टेस्ट के आधार पर डेंगू के मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। CMO ने निजी चिकित्सकों को इलाइजा टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार वसीम कुरैशी के लिए सूरतपुर विधानसभा में प्रचार करते हुए मजलिस के कार्यकर्ता नजर आए। पूर्व मंत्री PRO काशिफ खान ने बताया कि रामपुर के विकास और भाईचारे के लिए नवेद मियां ने आकाश सक्सेना को समर्थन दिया है। चुनावी मैदान में सपा और भाजपा के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं है। 42 वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की हिजाबी महिला पार्षद जैनब शेख ने उम्मीदवारों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। शासन के आदेश पर शुक्रवार की देर रात विधायक अब्बास अंसारी को नैनी सेंट्रल जेल में चित्रकूट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। जेल आर के सिंह ने बताया कि भारी सुरक्षा व्यवस्था में अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में दाखिल करा दिया गया है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड शाखा में विश्व न्यायाधीश सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, कोरोना काल में भारत ने कई देशों को वैक्सीन देकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया है। गोरखपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार फंस गई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लिए PM का उम्मीदवार तय नहीं है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।